अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिर हफीज, आपका न्यूट्रिशनिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। इसमें दो चीज़ें कॉमन हैं। एक तो फीमेल जो है वो बिफोर बर्थ जो है वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, उनका सारा रुझान जो है वो मेडिकेशन पे होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारी बड़ी बूढ़ियां जो हैं वो उनको फैट का इस्तेमाल तो करवाती हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि उनकी जो रूटीन वर्क है वो खत्म हो जाता है। और ज्यादातर लोग जो हैं वो बर्थ के बाद जो है वो चिकनाइयां इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोटापा जो है वो मेन इशू होता है। और मेडिकली अगर देखा जाए तो डॉक्टर हजरात बिलखसूस गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो फोर्स करती हैं कि आप ऑपरेट करवाएं, नॉर्मल डिलीवरी में पेचीदगियां होंगी। ओवरऑल उनकी हो सकता है कि नॉर्मल ही डिलीवरियां हो रही हों जो आपको फोर्स कर रही हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेट के उनको पैसे नहीं मिलने, उनका टाइम वेस्ट होना है, उनके सेहत के इशू बनने हैं। तो आपको वो क्यों फोर्स करती हैं? क्योंकि ये एक माफिया है, ठीक है, जिसमें रोग दिन ब दिन जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उनकी मोटिवेशन की वजह से, एक डर की वजह से। ओवरऑल हम नेचुरल तरीके को अगर अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी खुराक के लिहाज से, अपनी फिजिकली एक्सरसाइज के लिहाज से, अपनी डेली वर्कआउट की वजह से, तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हमारी टोटल जो है डिलीवरियां वो नेचुरली हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम बनाया है वो हमारे फायदे के लिए बनाया है। और जो ये आजकल चल रहा है, एक ट्रेंड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एक डर है जो हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। पेचीदगियां होती हैं लेकिन बहुत माइनर सी होती हैं। और ये जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इतने इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो कैसे चलते हैं? अगर वो एक नेचुरली तरीके में आपको लेके आए, उन्होंने ये सारा कुछ करना होता है, हमने अपने आप को कैसे सेव करना है ये हमें सोचना चाहिए। तो इसका बेहतरीन और अथेंटिक जो इलाज है वो ये है कि हम किसी भी अल्टरनेटिव डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे एक डाइट प्लान लें, न्यूट्रिशनिस्ट से इसमें गाइड ली जा सकती है, और नॉर्मल रूटीन में एक बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है, जिसमें हमारी माएँ बहनें जो हैं, हमारी जो बेटियां हैं वो भी इस काम में बच सकती हैं और हमारे बच्चे भी हेल्दी पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।